हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल नवाज के मस्ती ब्लॉग पर। आइए आप लोगों को मैं देसी क्रिकेट, जो सर्किल क्रिकेट है, वो दिखा रहा हूँ। तो जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आप लोगों को पहले पहुँचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीम को जिता पाते हुए भी बिल्कुल अनुभवों की कमी है। अभी अभी शुरुआत का समय और अभी हमारे मेंबर और हमारे अतिथि गण जो इस गांव के बुजुर्ग हैं आ चुके हैं हमारे कमेटी में। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आए और हमारे कमेटी का हौसला, हमारे तमाम युवाओं का हौसला उत्साह किया। और ओवर की समाप्ति यहां पर चूके थोड़े, अगर थोड़ा सा जल्द फेंक दिया जाता तो शायद रन आउट एक और विकेट चेंगे के खाते में मिलता। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ की जल्द से जल्द आए रिपोर्ट। काफी शानदार शॉट, एक ही रन से तरफ करना पड़ेगा। एक मिनट शाइन भाई, यहाँ पर मैं एक नियम बता दूं, गेंदबाज जो झुकते हैं विकेट के नीचे, अगर ज्यादा झुक जाए विकेट के नीचे आ जाए तो नो बॉल दिया जाएगा। विकेट के नीचे झुककर काफी गेंदबाज आते हैं, विकेट के नीचे अगर झुक के आए सर उनका विकेट के नीचे आ जाए तो नो बॉल दे देना। खड़े खड़े होकर अंडर आर्म का मतलब होता है अपना कप्तानी पारी खेल रहे हैं अभी तक रौनक। चौथी या पांचवी, पांचवी ओवर प्रगति पर है, पांचवी ओवर की प्रगति पर बिल्कुल। खास रन ने इसी बीच सिग्नल चुराया है, अब उनके साथी प्लेयर को बिल्कुल उनका साथ देना होगा। मैच तो बिल्कुल जीत की ओर ले आया, अब उन्हें मैच फिनिश करना होगा अति बल्लेबाजी से, तभी कुछ हो सकता है। और इसी बीच जबरदस्त गेंदबाजी, अब शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जल्द से जल्द टॉस करा भाई, और यहाँ पर शायद टच हुआ है हाथ में, सॉरी इंपायर का डिसीजन आउट आता हुआ। चेन्नई बी के कैप्टन आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेता कि मैं यहाँ आई हुई है, मौजूद है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप डिसिप्लिन जानते हैं कि जितना जल्दी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे उतना जल्दी आपको मैच मिलेगा। आप घूम फिर के आप टाइम वेस्ट ना करें। लहसा के कैप्टन है, चेन्नई के कैप्टन आ चुके हैं, आप आए जल्द से जल्द टॉस कराए भाई। बिल्कुल दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है आए, और जो कैप्टन आ चुके हैं और यहां पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी असलम के द्वारा और बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद साथी के एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। एक रन की मदद से कुल स्कोर 19 रन पहुंचे हैं, हम मात्र जीतने के लिए शायद 26 रन बचे हैं। और काफी बेहतरीन का खतरा हो सकता था, लेकिन काफी लेट थ्रो। मैं तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि आप चारों साइड मुस्तैद रहे, इसमें कोई ढिलाई ना करें, क्योंकि गेंद बहुत गुम होती है भाई। जी बिल्कुल, सर्किल में काफी गेंदें गुम होती हुई नजर आती है, और कोई बल्लेबाज मूड में आ जाए तो गेंद को सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा पे भेजते हैं और वो शायद आउट होकर फिर कोसते हैं अपने आप को। लेकिन यहाँ अगर मैच जीत रहा है फील्डिंग टीम को तो बेहतरीन फील्डिंग कही जाएगी असलम के द्वारा। हल्का सत्तू का रन आउट का खतरा और आसानी से एक और विकेट गिरता हुआ रौनक के रूप में, सॉरी प्रिंस के रूप में। और ये जो तीसरा विकेट गिरा है वो 10 रन के योग पर, काफी बड़ा लक्ष्य अब जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है चेन्नई की, उस प्रकार से काफी बड़ा लक्ष्य नजर आता हुआ। और यहाँ पर निर्धारित 3 विकेट गवा चुके हैं रंसी के टांकी के बल्लेबाज, और काफी बेहतरीन शॉट। और यहाँ पर ये लगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल शॉट कहा जाए, आसानी से खेला इस 4 रन के मदद से कुल स्कोर 14 रन। शायद सारा भाई वो टीम के कैप्टन है रौनक, इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए कई बार नजर, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो अपने ग्राउंड को भले भांति जानते हैं रौनक, किस प्रकार से यहाँ शॉट खेला जाता है, किस साइड बेहतर होता है डिसीजन शॉट का। और यहाँ पर फुल टॉस की गेंद, लेकिन और यहाँ पर 4 रन, और यहाँ पर
जो फील्डर का पैर था वो बाउंड्री में टच हो गया। इस प्रकार से चार रन मिला। इस चार रन की मदद से कुल स्कोर 18 रन। अब थोड़ा सा टक्कर जैसा मैच लग रहा है। काफी बेहतरीन करारा शॉट थे, लेकिन इतने सिर्फ इंतहाई दर्शकों की नहीं। और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ लैसा का। और यहां पर काफी बेहतरीन और दो बॉल का इशारा। सर्किल मैच में अक्सर देखा गया है कि अतिरिक्त के वजह से ही मैच। काफी बेहतरीन शॉट, फिर से 6 रन। आपको बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर बाहर खाता भी नहीं खुला अभी तक लेता का शायद। फिर से काफी बेहतरीन गेंदबाजी। और यहाँ पर शायद आसानी से दोनों बल्लेबाज ने एक रन चुराया। काफी बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक के चेंगे बी के खिलाफ। जिस प्रकार से चेंगे ए के गेंदबाजों ने बॉलिंग की थी, हालांकि उनका कम रन था, लेकिन अच्छा फाइट किया। लास्ट में जाकर रोहतक ने पारी संभाली और वो अपनी टीम को जीत दिला के चले गए। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर